नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया उत्तराखंड की तमाम खबरों का। पौड़ी लोकसभा का टिकट मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी अनिल बालूनी का पहली बार गोपेश्वर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान गोपेश्वर महाविद्यालय से गोपीनाथ मंदिर तक रोड शो किया गया और लोगों से वोट मांगे गए तथा भगवान गोपीनाथ के दर्शन कर विजयी होने का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बालूनी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गोपेश्वर महाविद्यालय से होते हुए गोपीनाथ मंदिर तक विशाल रैली निकालकर लोगों का अभिवादन भी किया। रैली के दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता रैली पहुंचे, लेकर वहां पर भाजपा प्रत्याशी अनिल बालूनी ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड मतों से बीजेपी गढ़वाल लोकसभा सीट से विजय होगी। इस मौके पर थराली विधायक भोपाल राम टंपा साथ ही अनेक लोग उनके साथ मौजूद रहे। जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ से निकल के अब जनता ने इसको ले लिया और जनता खुद चुनाव लड़ रही है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि जनता घरों से बाहर निकल रही है, लोग खुद बाहर निकल के और पूरी तरीके से चुनाव में इन्वॉल्व हो गए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता ने तय कर लिया कि 400 पार करा दी। मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनानी है और मजबूत बहुमत के साथ बनानी है। ये भी तय कर लिया है कि गढ़वाल सीट 5 लाख पर और पांचों कमल देने हैं उत्तराखंड से, पांचों सीटें 5-5 लाख से, इसके 25 लाख पार कर पूरी तरह से लोगों का मनोभाव विकास के लिए है, मोदी जी की नीतियों को लेकर है। और जो कहा है मोदी जी ने कि आगामी जो दशक है वो उत्तराखंड का होगा, उससे उत्तराखंड के लोग बहुत आकांक्षित हैं। पूरी शक्ति के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लगे। कांग्रेस में हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों का पेच फंसा हुआ है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश के हरिद्वार व नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों घोषित की संभावना जताई जा रही थी। इससे पहले प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने भी प्रदेश के शीर्ष नेताओं से बैठक की थी उनके साथ, लेकिन अभी भी प्रत्याशियों का फैसला सामने नहीं आया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि 1 से 2 दिनों द्वारा हरिद्वार के द्वारा नैनीताल सीट पर कांग्रेस का फंसा हुआ है पेच। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनके पास तो प्रत्याशियों की ही कमी है, जिस नेता को चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं वो चुनाव लड़ने से मना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस किस स्थिति में चुनाव लड़ रही है। होली के महापर्व को लेकर पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है। नवयुक्त SSP लोकेश्वर सिंह ने बताया कि होली पर्व को देखते हुए जनपद के संवेदनशील व अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती पुलिस द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही होली पर्व से 2 दिन पूर्व संवेदनशील व अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस द्वारा बैठक भी की जाएगी, जिससे प्रेम के इस पर्व को शांतिपूर्वक प्रेम भाव से सम्पन्न किया जाएगा। वहीं साथ ही साथ आपको हम ये भी बताते चले कि साफ उन्होंने ये भी कहा है कि होली के महापर्व को खलल डालने वाले लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा और उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। होली पर्व में जो हमारी सेंसिटिव एरियाज रहते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा लो एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, ऐसे एरियाज को जो है हम लोग क्योंकि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है वो एरियाज, ऐसे एरियाज में डिप्लॉयमेंट हम लोग बढ़ाते हैं और होली पर्व से पहले जितने भी हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके सब बैठकें भी होती हैं। वो होली के पर्व से लगभग 2 दिन पहले हम लोग मीटिंग्स करेंगे और जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे हम डेवलपमेंट बढ़ाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए TV24।